जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। जहांगीर साहब आप आए, पता ही नहीं चला कहाँ है। प्लीज 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 प्लीज, we will be honored, let people see the face behind the camera, inke bina film bani nahi sakti. The one and only Jahangir Chaudhary. Hey bo Mittal sahab, let's have a picture and let everybody crane his or her neck to be in the frame, please. And last but not least, my sister-in-law Nina and mere sangeet ke guru Vishwas Nerurkar sir. We have a picture, sir. We are honored by your presence. Satish Pujari ji agar yahan hain to hum unki puja karna chahenge. अवर नारायण जी आइए, एडिटर हैं। अरे मेरा सीट इन्होंने आधा सेकंड काट दिया। प्रदीप चंदा साहब, मेरा साहब इस पिक्चर में मेरा एक 15 सेकंड का सीन है, इसमें से 5 सेकंड इस शख्स से काट दिए, अवर नारायण सिंह। ओके, यू आर डन विद पिक्चर्स। भाई बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, स्टेज बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ।
अरे तस्वीर तो खिंचवा लो जनरल साहब प्लीज भाई, लेट्स हैव अ पिक्चर टुगेदर, कम ऑन। मेरी बेटी है नीना, देखिए सुपरस्टार लास्ट में आते हैं, दो नाम बाकी हैं, एक हातिम ताई असलम खान साहब और दूसरे शब्बीर भाई। शब्बीर भाई आइए ऊपर आइए। हातिम ताई कहाँ हैं? असलम भाई कहाँ हैं? गुमशुदा की तलाश है। नीना, ये मेरी साली है, बड़ी खिलाड़ी खिलंदरी लड़की है, यहाँ पे बड़ी शांत और शिष्ट है, लेकिन आप हकीकत हमको मालूम। मेरे फादरली फिगर स्वर्गीय लेख टंडन जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेखक थे, मैं उनका चेला हूँ, उन्होंने जो कहा मैंने वो किया। दूसरी बात, अब आपने कहा कि बच्चन साहब की फिल्म के सामने हम हैं, देखिए ये फिल्म भी फिल्म है, वो फिल्म भी फिल्म है, अब डिसीजन ऑडियंस को करना है विच इज बेटर। बच्चन की बात नहीं, वो अलग बात है। और दूसरी बात, और दूसरी बात ये मैं इसमें ऐड कर दूं, अभी अभी एक भाई साहब ने कहा था कि तलाक बुराई है या जो इट्स अ सोशल इविल और ये बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। वुमेंस को फ्रीडम का पूरा हक है, ये संविधान देता है और इसको ख़त्म हो ही जाना चाहिए। देखिए जी कितने थिएटर में रिलीज हो रहे हैं जरा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे, पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां दो थिएटर में रिलीज हो रहे हैं, बाद में थिएटर बढ़ाए जाएंगे। जो लीड थिएटर बम्बई में और मराठा मंदिर है, या किसी ज़माने में हमारी पसंदीदा फिल्म रही थी साहब। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि बच्चन जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं और उनकी बदला हमसे बदला नहीं छोड़ा, वो बड़ी बात होगी। बट जो भी नेता जी ने कहा अभी वो अपने आप में सर्वसंपूर्ण है कि भाई कोई भेदभाव नहीं है, इट्स सिंपल एज दैट कि सब हम हिंदुस्तानी हैं और उसी का हमें गर्व होना चाहिए। सामने लुक दीजिए, सामने लुक दीजिए। सवाल हो गया मेरा आज आपका, राजस्थान के सुपरस्टार अरविंद साहब हमारे यहाँ है, मिस्टर अरविंद कुमार सुपरस्टार ऑफ राजस्थान। सबसे पहले तो मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो शब्द है ना ये हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है, हम सब भाई हैं, एक दूसरे के इतने करीबी हैं कि यहाँ पता नहीं चलता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, ब्लड तो हमको चेक ही नहीं कराना किसी को। थैंक यू। You see, the brain behind this movie was not mine, but of the our revered director, Mr. Lake Tandon. और वो पहले पार्टीशन के पहले शेखुपुरा पाकिस्तान में रहते थे, और जो इस फिल्म की कहानी है वो घटना उन्होंने अपने आँखों से धोती देखी अपने नेबर को, तो एट दैट टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कभी इस चीज़ के को हाईलाइट करना चाहिए, ये बड़ी अनजस्टिफाइड चीज़। फिर वो इंडिया आए जब जहाँ पे उनके परम मित्र थे लेट पंडित रेवती चरण शर्मा, उन्होंने इसको एक नॉवेल का रूप दे दिया। बट इट वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ लेक जी टू फिल्म दिस सब्जेक्ट। वो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, प्रोफेसर रामकृपाली, झुकिया आत्मान, अगर तुम न होते, दुल्हन भाई जो किया मन भाई, एक बार फिर प्रिंस वगैरह वगैरह वगैरह, ये कमाल फिल्में बनाई और ये इच्छा उनके मन में रह गई। उसके बाद उन्होंने 25 टेलीविजन सीरियल, 15 फिल्में, ये सब, इतना बड़ा करियर। और एंड में उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई ये सब्जेक्ट रह गए, और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अब सीरियल मत बनाना, जब आना तो एक फिल्म बना के आना, और ये फिल्म बन गई और शूटिंग ख़त्म हो गई, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं गए, तो ये था, इस वजह से ये बनी, ये असली कारण है इस फिल्म के बनने का। इसी पीछे रिसर्च कितना, बिकॉज एक्चुअली बहुत से लोग, बहुत से मुस्लिम महिला इस चीज़ को, बिकॉज एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स है एक्चुअली, तो कुछ चीज़ इस पर मानते हैं कि नहीं दिस इज़ राइट, देर शुड बी नो इंटरफियरेंस एक्चुअली, एंड देर आर फ्यू हु आर द विक्टिमाइज्ड एक्चुअली, यू नो वो लोग, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है जो किस तरह। हाँ वही हमारी फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी हैव टू डू अवे विद व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। और जो नूरजान जी ने बताया है कि एक फ़ोन आया मौलवी कहता है कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें 3 तलाक दे दिए और कोई रिश्ता नहीं रहा, दूसरी को आया बेचारी को आया जी मिस कैरिड। अब इससे ज़्यादा
कैसे समझ सकता है या कैसे समझाए आदमी उनको कि ये गलत जो ये प्रेवलेंट है रूल ये गलत है। आपको सामने नहीं पता सर, आपको मेरा क्वेश्चन आप समझिए। जी फरमाए। तो कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे दैट इट डजंट रियली मीन कि व्हाट इज प्रैक्टिसिंग इज राइट और रॉन्ग। हां बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इफ द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड। वही मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट वॉइस को हमेशा सुनना चाहिए। आज तक जो भी तरक्की हुई है या जो भी सही हुआ है वो डिसेंट वॉइस को सुनकर हुआ है, डिसेंट वॉइस को दबाकर नहीं हुआ। देखिए इसका कोई रिलीजियस कनोटेशन है ही नहीं और ये फिल्म में बहुत क्लियर तरीके से दिखाया गया है। कुरान शरीफ में एक सूरह बकर है, कुरान शरीफ में तीन तलाक का जिक्र नहीं है। सूरह बकर में जैसा इसका डायलॉग था जीविदा का फिल्म में ये कहा गया है कि अगर इरिकंसाइलेबल डिफरेंसेस आ जाए तो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए बाई म्यूचुअल कंसेंट। उसका जो अरेबिक है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी समझ में शायद नहीं आए। नहीं मैं मुझे थोड़ा बहुत है नॉलेज बट नॉट मैं भी पूरा नहीं जानता हूं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस रॉन्ग इस्लामिक प्रैक्टिसेस। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट व्हिच इज वेरी वैलिड इंडीड। देन देयर शरीयत वाज मेड आफ्टर कुरान शरीफ। शरीयत में भी तीन तलाक नहीं है, उसमें दो तलाक है। उसका एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि भाई तीन महीने आप पहला तलाक देने के बाद तीन महीने आप मौका दीजिए और सुलह सफाई करवाई नहीं होता है तो फिर तीन महीने और दीजिए। जब ये इस्टेब्लिश हो जाए और बाय म्यूचुअल कंसेंट दोनों मियां बीबी की रजामंदी से तब तलाक प्रोनाउंस किया जाए। तो उसका यहाँ पर हैं सलीम भाई उनको लफ्ज भी याद है कि दो ही तलाक होते हैं। तलाक रजई कहते हैं, पहली तलाक जो होती है उसका तलाक रजई कहते हैं और जो तलाक होती है वो पहले पहला शर्त ये है कि दोनों में सुलह सफाई की जाए, आपस में कहा जाए, शौहर अपनी बीवी से कहे कि भाई मुझे आपकी ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ आप सुधार लो। उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो बातचीत बंद कर दे, बातचीत बंद करने के बाद भी अगर नहीं मानती है तो बिस्तर अलग अलग कर ले। उसके बाद चौथी शर्त ये है कि दोनों तरफ के लोग उसको समझाएँ कि लड़की वाले भी और लड़के वाले भी कि भाई ये गलत बात है, तलाक देना गलत बात है, आप दोनों एक दूसरे को समझो। यही प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर पे कोई चल नहीं रहा है। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस क्राइस्ट ने, किसी ने भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं दिया है कि आप सेल्फ अपॉइंटेड एजेंट ऑफ गॉड है। आपने अपने आप को तकसीम कर दिया कि साहब हम फला फला हैं और आपने फतवे जारी करना शुरू कर दिया जो सरासर गलत है। और यही डॉक्टर नूरजहां कह रहे थे। और उसके बाद दूसरी तलाक के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है, उसको तीसरे तलाक की जरूरत नहीं है दूसरी तलाक के बाद। और अगर कुछ सालों के बाद पहला शौहर उसे वापस लेना चाहता है तो ले सकता है, तीन तलाक नहीं हुई। ये है उसका जो यू क्लेरिफाइड दैट्स वेरी गुड। लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ द कैरेक्टर कॉल्ड इट। आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओगे तो क्लेरिफाई वन मोर थिंग बिफोर कमल जी साहब सेज कि ये चीज पिक्चर में दिखाई दे। दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। जी सर, आपके कुछ किरदार के बारे में बताना चाहोगे कि किस तरह का किरदार है, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट्स योर कैरेक्टर? I am one of the positive roles that I'm doing. और ये लड़की जो सताई हुई है बेचारी because of तीन तलाक उसको accept करता है और उसके बाद क्या होता है मैं नहीं बताना चाहूँगा because वो फिल्म जाके देखें लोग, है ना। तो वो फिर उसी मोड़ पे जो है उसका भी एक वो है राज या कहिए कि वहाँ कहानी कैसे पहुँचती है उसी मोड़ पर, तो वो भी लोग वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक नूरजहान जी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ख़ास तौर से ये पढ़ना चाह रहा हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है औरत, और ये नूरजहान जी के लिए, आपकी सब महिलाओं के लिए। कैफी साहब की नज़्म, कैफी साहब की नज़्म है और इसका नाम है औरत। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज
उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। आपकी किरदार को लेकर जाना चाहूँगी, किरदार को निभाते किस तरह का अनुभव और क्या कुछ आपने जाना इस फिल्म के माध्यम से? जैसे कि अभी नूरजहाँ जी ने बताया कि कितनी एक आयरनी है एक औरत की कि उसको ये सजा दी जाती है कि शी इज़ अ वूमन। तो मैंने जब भी किरदार निभाया था और हम लोगों ने जिस तरीके से इसकी बात की थी, हम लोगों ने लेख जी के साथ बैठे थे, हम सबने सब काम स्टार्ट किया था, उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। क्योंकि हम लोग क्या है आज के ज़माने में, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने हिसाब से हम काम करते हैं, हम अर्न करते हैं, इंडिपेंडेंट, वी नो हाउ टू यू नो कैसे रहना है। बट एक उसी समाज में जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जैसी औरतें हैं, उसी समाज में एक ऐसी भी औरतें हैं, एक ऐसा भी ग्रुप है, एक ऐसी भी लेडीज़ हैं जहाँ पर उनको ये हक नहीं दिया जाता, ये उनको जीने का हक नहीं दिया जाता है, उनके उनके ऊपर इतना सब कुछ किया जाता है। इट वॉज अ जेन्यूनली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि हमने ऐसा कभी हमारी परवरिश हुई नहीं, हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने हमें बहुत इंडिपेंडेंट रखा है, बहुत खुली सोच कर रखा है। बट बिकॉज ऑफ लेख जी और हम सब की मेहनत, हमारे सब ने हमने जो काम किया फिल्म में, हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने वीडियोज़ देखे, हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी। जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो कितना एक फ़ोन पे एक तलाक दे देते हैं, फ़ोन पे आपको डिवोर्स मिल जाता है, ईमेल से आपका डिवोर्स आ जाता है। मतलब आज के ज़माने में हम मिलेनियल किड्स और मिलेनियम में हम जी रहे हैं, वहाँ पे ये सब होना आई डोंट थिंक सो, इट्स जनरली हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। बाकी जो जितनी भी हमारी 22 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जब वहाँ पर कोई लॉ नहीं है, जब वहाँ पर बाय इंडिया, हमारा इंडिया शुरू से हमारा बिकॉज हमारा हिंदुस्तान ऐसा रहा है कि वहाँ पे सब धर्मों को एक ही जगह दी गई है, हर इंसान को उतनी इज्जत दी गई है, तो यहाँ पे सो दिस इज़ मे बी वी आर फाइटिंग फॉर दिस बिकॉज मतलब वी आर ट्राइंग टू शो अपनी फिल्म के थ्रू कि प्लीज़ जस्ट गेट अप, रेज योर वॉइसेस, वीमेन रेज योर वॉइसेस। और नूरजहाँ जी के ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ी यू नो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, बिकॉज ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब करें। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैंने एक ऐसी फिल्म करी है जहाँ पे मैंने कोशिश करी है बीइंग अ वुमन, बीइंग अ कि मैंने कोशिश करी है कि मैं क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँ कि प्लीज स्टॉप इट। जब इस तरह की कहानी तीन तलाक, जब इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है तो ही बड़ा अजीब फील होता है कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब आपको इस स्टोरी की तरह आपको इस किरदार को ही जीना था, उस किरदार को निभाना था, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि भाई हम बहुत ही इंडिपेंडेंट समाज में रहे हुए हम लोग हैं, हमारे परवरिश वैसी हुई है, हम शुरू से वर्किंग लेडीज रहे हैं, हम लोग काम करते हैं। चैलेंजिंग था बट डेफिनेटली उसकी बहुत बहुत उसकी हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए उसके लिए, काफ़ी कुछ देखा है मैंने, काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में, काफ़ी कोशिश करी है इस्लाम के बारे में पढ़ने की, और काफ़ी कोशिश करी कि लॉज क्या होते हैं, क्यों ये लॉज बनाए गए हैं, और मैंने अपना आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप सबकी उस पर खड़ा उतरूँ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। बाकी लेट्स सी, तो 8 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, अगर दर्शक फिल्म देखने जा रहे हैं तो किस माइंड से जाएंगे, क्योंकि फिल्म जब देखने जाते हैं इंटरटेन को लेकर, लेकिन एक साइड एक मैसेज फिल्म है, तो इस फिल्म को देखने अगर ऑडियंस जाती है तो क्यों? देखिए हमारा बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टाइम जिस पे हम लोग ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, और थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन लिया है वुमेंस डे का, सो इट्स लाइक वुमेंस डे 8th of March एंड पूरे यू नो वर्ल्ड में इंटरनेशनली बनाया जाता है दिस वुमेंस डे। तो मैं यही चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ आप थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देखिए, इसको फिल्म को जस्ट एक इट्स नॉट अब जस्ट अ फिल्म, इट्स अ सोशल कॉज, डेफिनेटली एक सोशल कॉज को हमने दिखाने की कोशिश करी है, और वुमेंस डे है तो प्लीज़ हमारी सारी वुमेन को है आप ज़रूर देखे जाइए,
मैंने अपने आप आ जाएंगे, आप जाओगे तो। और ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई लेक्चरबाजी नहीं है इसमें, इसका खूबसूरत कहानी है, जैसे अक्सर लेक्चर की फिल्में होती हैं आपने देखी होंगी पहले भी, तो इसमें कहानी है, सेंसिटिव है और इंटेलिजेंट फिल्म। यस, फैमिली एंटरटेनमेंट, निकाह जैसी फिल्म थी, फैमिली के साथ वाज अ फिल्म एक्चुअली, व्हिच वाज देयर यू गो, वाज इन अ वेरी गुड वे दैट बीन नैरेटेड, इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ वेरी टोल्ड स्टोरी। या लेट मी टेल यू दैट देयर इज subtle difference between the narrative of Nikah, which was a great film. I'm a very big fan of Mr. B.R. Chopra, and I'm a very big fan of Mr. Lake Tunney. And they had different styles of filmmaking. Emotional impact tha Nikah, dramatic impact tha Piru Thi Bhanu. Yes. The approach is different. किसने बोला आपको मैं गायब हुई थी, मेरा सोशल मीडिया देखिए, मेरा ये बाकी फिल्म देखिए, मुझे गूगल कीजिए, मैं कोई गायब नहीं था। आई वॉज वेरी मच इन टू द इंडस्ट्री, आई हैव डन सम साउथ फिल्म, आई हैव डन वेरी गुड पंजाबी फिल्म, मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी फिल्म मेरी लैंग्वेज है, एंड मैंने बहुत टीवी कमर्शियल्स किए हैं, मैंने बहुत कुछ मैंने टीवी शोज किए हैं, काफ़ी काम किया है, बस हाँ डेफिनेटली हिंदी में आई एम डूइंग दिस बिकॉज मुझे एक ऐसा कॉन्टेंट मिला जहाँ पे मैं, मुझे ऐसा लगा कि येस आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, सो जस्ट अ मैटर ऑफ फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे लेक जी के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे उनकी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। आई थिंक जब तक लेक जी इज ऑलवेज इज अ लेजेंड, उनकी फिल्मों का जब जब नाम लिया जाएगा फिर उस मोड पे लिया जाएगा, आई एम पार्ट ऑफ आई एम आई सेल्फ इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिनेमैटिक व्यू पॉइंट कि जब लाइट्स चली जाती हैं थिएटर में, बहुत बड़े डायरेक्टर थिएटर नाना साहब ने मुझसे कहा तो 2.5 घंटे के लिए डायरेक्टर अकेला होता है अपनी ऑडियंस, अगर एक दिलचस्प कहानी सुना लेता है तो पिक्चर चलती है और लोग बार बार देखते, नहीं सुना पाता तो जीरो हो जाती है। वाजपेयी साहब तीन तलाक की जब भी बात की थी, मोदी साहब ने बात की थी तीन तलाक बैन करने की, सारी मुस्लिम महिलाएं आगे थे आजाद मैदान में, अब फिर आप बात कर रहे हैं तीन तलाक की, कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कहीं कंट्रोवर्सी बात ना हो जाए, ये देखिए ये हम लोग एक फ्री मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी है, अगर कोई इसका अलग नजरिया रखता है तो उसका नजरिया सामने लाने की उसको सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन हमने सच्चाई दिखाई है, फिल्म इस्लाम के खिलाफ है ना, बीजेपी के खिलाफ है ना, बीजेपी को फेवर करती है, तीन तलाक के खिलाफ है, तीन तलाक के पक्ष में नहीं, तीन तलाक क्या है वो एक्चुअल में किसी को नहीं पता है। ओके, ये देखिए एक तीन तलाक, एक चीज क्लियर, हमारी फिल्म में वी आर अगेंस्ट तीन तलाक, हम उसने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा है फिल्म में कि ये प्रैक्टिस गलत है और बंद कर देते हैं, वी हैव एडवोकेटेड एंड एस्पाउज्ड द कॉज ऑफ स्टॉपेज ऑफ तीन तलाक। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।